इधर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अगर ये खबर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक दिमाग में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो लोग अदर कंट्री में रहते हैं जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले तो स्क्रीन शॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में जब हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं या हम लोग रिन्यूअल जो कराते हैं, अगर आपका पासपोर्ट 10 साल रहते रहते एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग इंडिया में भी अगर रिन्यूअल कराते हैं तो इतना पैसे नहीं लगते हैं। बट दोस्तों, अदर कंट्री में जैसे रिन्यूअल कराते हैं हम अपना पासपोर्ट, तो यहाँ पे इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसका एक ही मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, हमारे वर्कर भाई लोग बोलते हैं इतना पैसे क्यों लगता है यहाँ पे, जैसे मैं बताया सऊदी है, ओमान है, कतर, बहरीन, दुबई, हाँ, इतना पैसे क्यों लगते हैं। तो इसका सिंपल सा कारण है दोस्तों, हम लोग तत्काल में बनाते हैं और एम्बेसी के थ्रू बनता है, इसलिए यहाँ पे पैसे ज़्यादा। तो इस आर्टिकल में समझाया भी गया है कि आखिर पैसा इसमें इतना ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा 2,500 से 3,000 आप नया पासपोर्ट में बनवा लेते हो, रिन्यूअल कराओगे तो 2,500-2,500, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 450 दिरहम, में दुबई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 450 दिरहम लगता है टोटल। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि अगर आप पासपोर्ट अभी रिन्यूअल, पहले लगभग 350-350 दिरहम में हो जाता था दोस्तों, मगर अभी लेटेस्ट में अगर 2023 में अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने जाते हो तो 10 साल के लिए अगर आप रिन्यूअल कराते हो तो 450 दिरहम आपको लगेगा। अदर कंट्री में लगभग ओमान, कतर, सऊदी, ठीक है, लगभग यही है, थोड़ा 19-20 है, लेकिन जो पैसा लगता है दोस्तों 4 गुना ज़्यादा पैसा लगता है इंडिया के मुकाबले यहाँ अदर कंट्री में अगर आप रिन्यूअल कराते हो। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि यहाँ पे ज़्यादा वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं खोजता है, आपका जो पासपोर्ट है वो सीधा लेके जाओ, आईडी है, वीजा कॉपी है, तो आपका इजीली रिन्यूअल हो जाता है, 8 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा। बट इंडिया में थोड़ा टाइम भी लगता है लेकिन पैसा बहुत कम लगता है, 2-2,500 में हो जाएगा। यहाँ आप इंडियन मनी की बात करो दोस्तों तो लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये लग जाता है, 450 दिरहम समझ सकते हो तो 10,000 से ऊपर जाता है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहता है, तो ये आर्टिकल है, मैं सोचा समझा दूँ।